पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन कथा। पुराण विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। उनमें लिखित ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक, अमूल्य तथा मानव सभ्यता की आधारशिला हैं। वेदों की भाषा तथा शैली कठिन है, पुराण उसी ज्ञान के सहज तथा रोचक संस्करण है। उनमें जटिल तथ्यों को कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। पुराणों का विषय नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, विज्ञान तथा अन्य विषय हैं। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका मित्र सागर तिवारी फिर स्वागत करता हूं आज अपनी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 पुराणों के बारे में। जानिए महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों के बारे में। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश उन पुराणों के मुख्य देवता हैं। त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान स्वरूप को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। आइए जानते हैं 18 पुराणों के बारे में। दोस्तों, पहला है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान ब्रह्म की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण कथा और रामायण और कृष्ण अवतार की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ से सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक की कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बात करते हैं दूसरे पुराण यानी कि पद्म पुराण की। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है, जिसके नाम क्रमशः सृष्टिखंड, स्वर्गखंड, उत्तरखंड, भूमिखंड तथा पतालखंड हैं। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें स्वदेज, स्वेदज, अणदज तथा जरायुक्त की श्रेणी में रखा गया है। यह वर्गीकरण पूर्णतया वैज्ञानिक है। भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में भी इस ग्रंथ में विस्तृत वर्णन है। इस पुराण में शकुंतला, दुष्यंत से लेकर भगवान राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप से भारतखंड और पश्चात भारत पड़ा था। तीसरे हमारे महापुराण की अगर हम बात करते हैं तो वह है विष्णु महापुराण। विष्णु पुराण में 6 अंश तथा 23,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक, ध्रुव तथा कृष्ण अवतार की कथाएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त सम्राट पृथु की कथा भी शामिल है, जिसके कारण हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था। इस पुराण में सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास है। भारत की राष्ट्रीय पहचान सदियों पुरानी है, जिसका प्रमाण विष्णु पुराण के निम्नलिखित श्लोकों में मिलता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम् इति भारतम् नामम् भारती यत् संतति वर्ष द भारतम नामम भारती यत्र संतति। साधारणतः शब्दों का अर्थ यह है कि यह भौगोलिक क्षेत्र जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में सागर से घिरा हुआ है, भारत देश है तथा उसमें निवास करने वाले सभी जन और जनता भारत देश की ही संतान है। भारत देश और भारतवासियों की इससे स्पष्ट पहचान और क्या हो सकती है। विष्णु पुराण वास्तव में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। नंबर 4 की हम बात करते हैं वह है शिव पुराण। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहते हैं। इस ग्रंथ में कैलाश पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन और महत्व, सप्ताह के दिनों के नामों की रचना, प्रजापतियों तथा काम पर विजय पाने के संबंध में वर्णित किया गया है। सप्ताह के दिनों के नाम हमारे सौर मंडल के ग्रहों पर आधारित हैं और आज भी लगभग समस्त विश्व में प्रयोग किए जाते हैं। 5वें नंबर पर हम बात करते हैं भगवत पुराण के बारे में। भगवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं तथा 12 स्कंद हैं। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। विष्णु एवं कृष्णावतार की कथाओं के अतिरिक्त महाभारत काल से पूर्व के कई राजाओं, ऋषि मुनियों तथा असुरों की कथाएँ भी संकलित हैं। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का देहात्याग, द्वारिका नगरी के जलमग्न होने और यदुवंशियों के नाश तक का विवरण भी दिया गया है। नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो वह है नारद पुराण।
नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं तथा इसके दो भाग हैं। इस ग्रंथ के सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु पश्चात के क्रम आदि के विधान हैं। गंगा अवतरण की कथा भी विस्तार पूर्वक दी गई है। दूसरे भाग में संगीत के साथ स्वरों, सप्तक के मंत्र, मध्य और तार स्थानों, मूर्छनाओं, शुद्ध एवं कूट तानों और स्वर मंडल का ज्ञान लिखित है। संगीत पद्धति का यह ज्ञान आज भी भारतीय संगीत का आधार है, जो पाश्चात्य संगीत की चकाचौंध से चकित हो जाते हैं उनके लिए उल्लेखनीय तथ्य यह है कि नारद पुराण के कई शताब्दी पश्चात तक भी पाश्चात्य संगीत में केवल 5 स्वर होते हैं तथा संगीत की थ्योरी का विकास शून्य के बराबर था। मूर्छनाओं के आधार पर ही पाश्चात्य संगीत के स्केल बने हैं। 7वें नंबर पर हम बात करते हैं मार्कंडेय पुराण के बारे में। अन्य पुराणों की अपेक्षा यह छोटा पुराण है। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक तथा 137 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय और योग के विषय में श्री मार्कंडेय ऋषि तथा ऋषि जैमिनी के मध्य वार्तालाप है। इसके अतिरिक्त भगवती दुर्गा तथा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएँ भी संकलित हैं। नंबर 8 पे आते हैं तो उसमें है हमारा अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 383 अध्याय तथा 15,000 श्लोक हैं। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञानकोश यानी कि इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार, रामायण तथा महाभारत की संक्षिप्त कथाएं भी संकलित हैं। इसके अतिरिक्त कई विषयों पर वार्तालाप है, जिनमें धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा आयुर्वेद मुख्य हैं। धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा आयुर्वेद के उपवेद भी, यानी इनको हमारे वेदों का उपवेद भी कहा जाता है। नंबर 9 पे आते थे उसमें आते हैं हमारे भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में 129 अध्याय तथा 28,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विधानों आदि के कई विषयों पर वार्तालाप है। इस पुराण में सांपों की पहचान, विष तथा विषदंश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। इस पुराण की कई कथाएँ बाइबिल की कथाओं से भी मेल खाती हैं। इस पुराण में पुराने राजवंशों के अतिरिक्त भविष्य में आने वाले नंद वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया तक का वृत्तांत भी बता दिया गया था। ईसा के भारत आगमन तथा मोहम्मद और कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र भी इस पुराण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त विक्रम बेताल तथा बेताल बच्चीसी की कथाओं का विवरण भी है। सत्यनारायण की कथा भी इस पुराण में से ली गई है। नंबर 10 पे आते हैं तो है ब्रह्मा वैवर्त पुराण। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक तथा 218 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती तथा श्री कृष्ण की महानताओं को दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी हुई कथाएं भी संकलित हैं। इस पुराण में आयुर्वेद संबंधी ज्ञान का भी संकलन है। नंबर 11 पे आते हैं तो हमारे आते हैं लिंग पुराण। लिंग पुराणों में 11,000 श्लोक हैं तथा 163 अध्याय हैं। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में युग, कल्प आदि की तालिका का वर्णन है। राजा अम्बरीश की कथा भी इसी पुराण में लिखित है। इस ग्रंथ की अघोर मंत्रों तथा अघोर विद्या के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। 12वें नंबर पे आते हैं वराह पुराण। वराह पुराण में 217 स्कंद तथा 10,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में वराह अवतार की कथा के अतिरिक्त भगवद गीता, महामात्या का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पुराण में सृष्टि के विकास, स्वर्ग, पताल तथा अन्य लोकों का वर्णन भी दिया गया है। श्राद्ध पद्धति, सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन विचारने, अमावस और पूर्णमासी के कारणों का वर्णन है। महत्व की बात यह है कि जो भौगोलिक और खगोलिक तथ्य इस पुराण में संकलित हैं, वही तथ्य पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिकों को 15वीं शताब्दी के बाद ही पता चले थे। नंबर 13 पे आते हैं स्कंद पुराण। स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है तथा इस पुराण में 81,000 श्लोक और 6 खंड हैं। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत का भौगोलिक वर्णन है, जिसमें से 27 नक्षत्रों, 18 नदियों, अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य, भारत के स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों तथा गंगा के अवतरण का आख्यान यानी व्याख्यान शामिल है। इस पुराण में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला तथा कन्याकुमारी मंदिर का उल्लेख भी किया गया है। इसी पुराण में सोमदेव, तारा तथा उनके पुत्र बुध ग्रह की उत्पत्ति की अलंकारमयी कथा भी है। नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो वो है वामन पुराण। वामन पुराण में 95 अध्याय तथा 10,000 श्लोक तथा 2 खंड हैं। इस पुराण का केवल प्रथम खंड ही उपलब्ध है। इस पुराण में वामन अवतार की कथा से विस्तार से कही गई है, जो कि बरु चक्कच्छ यानी गुजरात में हुआ था। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में भी सृष्टि, जम्बूद्वीप तथा अन्य 7 द्वीपों की उत्पत्ति, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, महत्व
झील, पर्वतों, नदियों तथा भारत के खंडों का जिक्र है। 15 नंबर पे आते हैं हमारे कुर्मा पुराण। कुर्मा पुराण में 18,000 श्लोक तथा 4 खंड हैं। इस पुराण में चारों वेदों का सार संक्षिप्त रूप से दिया गया है। कुर्मा पुराण में कुर्मा अवतार से संबंधित सागर मंथन की कथा विस्तार पूर्वक लिखी गई है। इसमें ब्रह्मा, शिव, विष्णु, पृथ्वी, गंगा की उत्पत्ति, चारों युगों, मानव जीवन के 4 आश्रमों, धर्मों तथा चंद्रवंशी राजाओं के बारे में भी वर्णन है। नंबर 16 पे आते हैं मत्स्य पुराण यानी मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में 290 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार की कथा का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों, चारों युगों तथा चंद्रवंशीय राजाओं का इतिहास वर्णित है। कच्छ, देवयानी, शर्मिष्ठा तथा राजा ययाति की रोचक कथा भी इसी पुराण में है। नंबर 17 से लगभग सभी लोग परिचित होंगे, जो है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय तथा 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84,00,000 योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस पुराण में कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन भी है। साधारण लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ को किसी परिचित की मृत्यु होने के पश्चात ही पढ़वाया जाता है। वास्तव में इस पुराण में मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म होने पर गर्भ में स्थित भ्रूण के वैज्ञानिक अवस्था सांकेतिक रूप में बखान की गई है, जिसे वैतरणी नदी आदि की संज्ञा दी गई है। समस्त यूरोप में उस समय तक भ्रूण के विकास के बारे में कोई भी वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी। और अंतिम और 18वें नंबर पे हम आते हैं, तो है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक तथा पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भाग हैं। मान्यता है कि अध्यात्म रामायण पहले ब्रह्मांड पुराण का ही एक अंश थी, जो अभी तक और अभी एक पृथक ग्रंथ है। इस पुराण में ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया है। कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास भी संकलित है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लेकर अभी तक 7 मनोवंतर यानी कि काल बीत चुके हैं, जिसका विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। परशुराम की कथा भी इसी पुराण में दी गई है। इस ग्रंथ को विश्व का प्रथम खगोल शास्त्र कह सकते हैं। भारत के ऋषि इस पुराण के ज्ञान को इंडोनेशिया भी लेकर गए थे, जिसके प्रमाण इंडोनेशिया की भाषा में मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज हमने आपको बताया 18 पुराणों के बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त परिचय, कि हर पुराण में कितने श्लोक तथा कितने खंड हैं। और मेरा मानना है कि आज के समय में इसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंटों के माध्यम से दें। और मैं आपका मित्र सागर तिवारी आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए।